बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं राज राव, देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इनके अंतर्गत 25,000 से लेकर के 50,000 तक मिलने वाली राशि बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को सिर्फ बिहार की निवासी और बिहार के किसी विश्वविद्यालय के वैसे कॉलेज जो कि एलिजिबल है, लिस्ट में अटैच्ड है, ऐसा तमाम कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपका आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया और आप एलिजिबल है पेमेंट के लिए या कन्याधान योजना के लिए। ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है किस कॉलेज को देना है, किस कॉलेज को नहीं। प्राइवेट कॉलेज में भी सब कॉलेज को जो वह पैसे, सभी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को ये पैसे नहीं मिल पा रहे। ये जो 25-50 का जो झमेला था और किस सेशन के साथ कितना, वो एक पेमेंट रिसीव हुई है, आप देख पा रही है 25,000 रुपया रिसीव हुआ है बैंक ऑफ इंडिया में और 21 तारीख को, इसी महीने के 21 तारीख को। और देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो पेमेंट आया ये किस नाम से है, मुख्यमंत्री बालिका, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ इतना दिया गया है, उसके बाद से पेमेंट ऊपर क्रेडिट है, उसके बाद से नीचे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस डेट को यह पेमेंट आया। तो हम बात करेंगे इसमें कि ये किस सेशन को यह पेमेंट आया है, उसके बाद वाला जो सेशन है और उसको कितना पेमेंट मिलेगा, उसके साथ ही अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस डॉक्यूमेंट वाला कहाँ तक है, ये सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन का है। जी हाँ, यदि आप भी 1 to 5 के शिक्षक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार सीटेट एग्ज़ाम जो दिसंबर वाली आने वाली है, फॉर्म उसका फॉर्म आप फिलअप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकले, तो देर की इस बात की, अभी खरीदे चक्षु प्रकाशन का ये सीटेट स्टडी गाइड बुक, आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूरी विश्लेषण के साथ मिलेगी जानकारी। साथ ही आपको लगभग 3,000+ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, साथ ही आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि पिछले 4 बार जो एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका आंसर किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देर किस बात की, अभी खरीदे ये चक्षु प्रकाशन का सीटेट स्टडी गाइड बुक, जिसे आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं या आप ऑफलाइन नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन का लिंक है, एक क्लिक में ऑर्डर करें और घर बैठे इस बुक को मंगवाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि किस सेशन को मिला है, लेकिन उससे पहले ये हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई थी, अब बिहार विश्वविद्यालय की हम बात करें तो लगभग इसमें जो कॉलेज है अभी 100 के आसपास जो है कि 100 अब जाकर के पूरा 112 हो गया है, लेकिन उसमें से अभी मात्र मान के चलिए कि 55 कॉलेज ही ऐसे हैं जिनमें पढ़ने वाली छात्राओं को ये पैसे दिए जा रहे। अब कहिए कि सर अब कौन कॉलेज है, तो दैनिक जागरण में बहुत पहले रिपोर्ट किया था, दैनिक जागरण में ये अखबार में आया था कि कौन कौन कॉलेज उस लिस्ट में पार्टिकुलर है, तो मैंने उस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आप देख पा रहे हैं सभी प्राइवेट कॉलेज को ये पैसे नहीं मिलते हैं, कुछ कॉलेज को मिलते हैं। अब कैसे डिसाइड होता है कि किस कॉलेज को देना है और किस कॉलेज को नहीं देना है, खैर इसका प्रोसेस खैर नहीं बताया गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी कॉलेज को ये पैसे नहीं मिलते। अब देखिएगा तो ये 17 से 20 के पार्ट 3 के एक छात्रा ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा है पेमेंट का, मैसेज वाला, और कहा कि मेरा पेमेंट रिसीव हो गया। हम चलते हैं यहाँ पर कन्या उत्थान योजना वाला जो वेबसाइट है, जहाँ पर हम चेक करते हैं स्टेटस। आप देख पा रहे यहाँ पर आप चाहें तो आप भी अप्लाई आपने कर दिया है तो आकर के स्टेटस में देखिए, जैसे कि इसका आप देख सकते हैं इनका नाम यहाँ पर है, उसके बाद से अप्लीकेशन कब डाला गया था, तो आप देख पा रहे हैं 15/7/2021 को डाला गया था और यहाँ पर हर चीज़ वेरिफिकेशन होने के बाद आप देख पा रहे हैं ये डन, यहाँ पर पेमेंट डन हो गया यहाँ पर, उसके बाद से उनको जो है इस पैसे का जो है उनको मैसेज आया। अब ये छात्रा जो है 17 से 20 बिहार यूनिवर्सिटी के, 17 से 20 के पार्ट 3 का रिजल्ट जो आया था वह 13 मार्च 2021 को आया था। यदि ये रिजल्ट 1 अप्रैल को आता तो इनको 50,000 रुपया मिलता, मोटा मोटी 16 से 17 दिन बाद यदि रिजल्ट आती तो 50 मिलता। यदि आप भी बिहार के किसी विश्वविद्यालय से आप हैं और यदि आपका सेशन 17 से 20 है और आपका रिजल्ट अप्रैल से पहले आया था, 30 मार्च को भी बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आपका आया था 30 मार्च तक, तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। 17 से 20 में भी सेशन ये क्लियर हो गया, आप पेमेंट आने के बाद आप देख पा रहे हैं। वहीं यदि आपको 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया था, जैसे कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में 17 से 20 का रिजल्ट हुआ, उनमें सेशन लेट चलता है तो वो 21 में शायद लास्ट में आया होगा, वहाँ का खैर कन्फर्म पता नहीं, लेकिन वहाँ पर हाँ 5 से 6 साल में ऑनर्स जो है कि क्लियर होता है।
तो वहाँ की छात्राओं को 50 मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। वहीं आप पटना यूनिवर्सिटी की है, पाटलिपुत्र मिथिला यूनिवर्सिटी की है, या बी एन मंडल या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी और भी है, मगध यूनिवर्सिटी है, उन सभी का रिजल्ट यदि 21 में 17 से 20 वाले अप्रैल से पहले आ गया था तो वो आप देख पा रहे हैं 25,000 रुपये पेमेंट रिसीव हुआ है। उसके बाद से 18 से 21 के जो भी छात्राएँ होंगी या 19 से 22 की जो भी छात्राएँ होंगी उन सभी को जो पैसे 50,000 मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। 17 से 20 लास्ट है 25 तक, उसके बाद सभी को 50 मिलेगा और 17 से 20 में भी 25-50 तक क्या कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो पैसे मिले हैं इनको, ये गवर्नमेंट कॉलेज की एक छात्रा है। प्राइवेट कॉलेज में जो है कि वेरिफिकेशन जो है, जैसे कि मैंने आप जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक में ये आधार नंबर है इनका, एक का आधार नंबर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और देखिए मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकती हैं, यहाँ पर आप देखिए ये रोशन आरा नाम है और इनका मैंने अप्लाई किया था, आप देख पा रहे हैं 2020 में ही 10 मई को अप्लाई किया था। ये प्रिया रानी डिग्री कॉलेज बैरगिनिया की स्टूडेंट है और इनका सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन 2 महीने से आप देख पा रहे हैं हेडक्वार्टर पटना में वेरिफिकेशन के लिए यह पेंडिंग में। तो प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं को पैसे मिलते तो है, लेकिन बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद जितना आसानी से वो जो मैंने आपको इससे पहले वाला दिखाया है वो हो गया था वेरिफिकेशन कंप्लीट, उतना आसानी से यह नहीं हो पा रहा है। तो प्राइवेट कॉलेज की आप छात्रा हैं तो अप्लाई कर दीजिए और काफ़ी लंबी इंतज़ार करने पर है, इसलिए जो है कि गवर्नमेंट ने नई पोर्टल लॉन्च की है ताकि छात्राओं को जो है दिक्कत ना हो। हालांकि नए पोर्टल पर अभी पूरी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है, दिसंबर में कहा गया है, दिसंबर में जैसे ही आवेदन होना शुरू हो जाएगा तो हम आपको एक फॉर्म फिलअप करके हम आपको बता दें किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। हालांकि वोला जो नया प्रोसेस है उसमें बिल्कुल सारा चीज़ चेंज है। और आप अपना यहाँ पर देखना चाहते हैं स्टेटस तो डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप आकर के इस लिंक पर क्लिक करके और यहाँ पर आधार नंबर डाल करके सर्च करके आप देख सकते हैं कि आपका वेरिफिकेशन लेवल कहाँ तक पहुँचा। जैसे कि यहाँ का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका पेंडिंग है हेडक्वार्टर लेवल पर। तो आप देख पा रहे हैं ये जो चीज़ें थी 25-50 वाला, ये पेमेंट रिसीव होने के बाद और ये वीडियो आप तक पहुँचने के बाद अब ये क्लियर हो गया होगा कि 17 से 20 वाले को भी 25,000 ही मिला है। रिजल्ट में कंडीशन ये है कि इनका 13 मार्च को रिजल्ट आया था। उम्मीद है कि हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।